वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीडिया टाइम प्रेजेंट बोल भैया बोल जोर से बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम खड़े हैं इस टाइम मिनाजपुर की चौड़ी सड़क पर, जहाँ बड़े बड़े नेताओं को इस जगह सभा करनी पड़ती है और वोट शहर पश्चिमी किस्मत शायद यहीं की लोग करते हैं तय। आज हम यहां पर बात करेंगे लोगों से, किस तरह से किस पार्टी के लिए उनका सुझाव है और कौन सा प्रत्याशी को वो इस बार ताज पहनाएंगे। यहां पर चुनाव हो रहा है और आपके क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो मेन, और आपकी सपा की प्रत्याशी हैं और बसपा, जो तीन पार्टियों को लोग गौर से देख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से सुष्मिता राघव भी हैं। किस तरह से आप देखते हैं और किन पार्टी को इस बार चुनेंगे? इस बार तो सपा की लहर चल रही है, पूरे यूपी में सपा की लहर चल रही है और सपा के अलावा कोई विकल्प नहीं ना। मोदी लहर का क्या? तो मोदी लहर 14 में थी, 17 में थी, झूठ और अंधविश्वास की लहर चली थी, वो अब ख़त्म हो गई है। विकास का मुद्दा तो है, तो विकास कहाँ है? विकास सपा से अच्छा किसी ने किया ही नहीं ना। अरे अभी दो दिन पहले नितिन गडकरी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि अब प्रयागराज की सड़कों पर उड़ने वाली बसें चलेंगी क्या? हाँ, तो वाकई में वो उड़ रहे थे, उन्होंने इतना गड्ढा देख के उन्होंने कह दिया कि यहाँ चल नहीं सकता आदमी, उड़ सकता है। और लोग से भी बात करते हैं जो यहाँ पर इस बार मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, लोग जैसे कह रहे हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है, किस पार्टी के आप प्रत्याशी को पसंद करते हैं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पसंद करता हूँ। भूतपूर्व में मैं जो है समाजवादी पार्टी से जो है अपने क्षेत्र से जो है यूजन सभा से भी रहा हूँ, ठीक है। ऋचा दीदी हमारी हैं जिनको हम लोग जिता रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। ये झूठ फरेब और हमारे अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों पर इन्होंने फीता काटा है। फीता तो उनका काटा है, वो तो कहते हैं काम बोलता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मगर काम किया था तो क्यों नहीं आए पिछली बार? देखिए ऐसा है, काम किया था उन्होंने, आने की बात नहीं है, मोदी मीडिया ने, ठीक है। मीडिया को क्यों दोष देते हैं? जो आप बोल रहे हैं, अगर आपकी बात आपकी दिखाई जा रही तो क्या मीडिया मोदी हो जाएगी या सपा की हो जाएगी? सत्यता बता रहा हूँ, जो ये हिंदुत्व और मुसलमान का इन्होंने राजनीति खेला, विकास के नाम पे राजनीति खेला। 15 अखिलेश यादव यादव के नाम पे वोट नहीं खेलते? नहीं, अखिलेश यादव का स्लिम के फैक्टर पे सारे 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 जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग यहाँ से सब लोग हैं, लेकिन सब लोग अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि उनका काम बोलता है, वाकई बोलता है। और आपके क्षेत्र से तो पुराने पार्षद भी हैं इस बार? देखिए, मैं इस मोहल्ले से तो नहीं हूँ, मैं मुंडेरा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ठीक है। अब इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो पार्षद जी के बारे में ज़्यादा जानकारी जानते हैं, लेकिन मैं ऋचा दीदी को जो है इसमें पूरा हम लोग का फुल समर्थन है, और समाजवादी की लहर, समाजवादी सरकार आएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बन कुर्सी। ये बताइए आपके क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है और इस बार किस पार्टी को देखते हैं? इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मार्केट में है, केजरीवाल आए हैं और विकल्प के रूप में अच्छे हैं, क्या कहें? देखिए, विकास का जहाँ तक का सवाल है तो समाजवादी पार्टी ने जितने भी वादे निभाए हैं उसको पूर्व तरीके से पूरी तरीके से मॉडल के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली मॉडल पे हम इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनसे ज़्यादा यहाँ उत्तर प्रदेश में विकास होने जा रहा है, खुशहाल होगा उत्तर प्रदेश। पिछली बार भी तो काम बोलता था, मगर क्या हुआ उसका? पिछली बार तो वोट का ध्रुवीकरण हुआ था। तो क्या आपकी पार्टी यानी जो समाजवादी पार्टी है वो नहीं ध्रुवीकरण? नहीं नहीं, वो सत्य पे चलती है, सत्य सत्य वचन अटूट वादा जो उनका विकल्प रहा है विकास के लिए, और वो 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा महिलाओं को, 33 पर। आम आदमी पार्टी ने पहले नारा दिया 300 बिजली? नहीं नहीं, वो देख कर किया होगा, 300 यूनिट का नहीं। आपने देख के, अखिलेश यादव ने देख के किया है? अखिलेश यादव की जो नीति है, जो हमेशा योजना को हमेशा पूरी तरीके से उन्होंने निभाया है, पूरी तरीके से 1 लीटर। तो बताइए, अगर सरकार आ जाती है आपकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, मगर केंद्र में तो बीजेपी है, किस तरह से काम होगा? केंद्र में बीजेपी है, सिर्फ 2 साल और हमारी सरकार को स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे 5 साल हम लोगों ने किया, 2 साल बाद इनको भी उखाड़ फेंकेंगे। अरे आपकी पार्टी तो स्टेट की पार्टी, वो नेशनल पार्टी है। वो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का प्रोपगंडा है, सीधा झूठ बोलो राज करो। आखिर 5 साल ने, 7 साल हो गया, किसको क्या मिला? 15 लाख के इंतजार में हमारे घर वाले भी बैठे, भैया मिल जाए तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। वो 15 लाख के बजाय हमारे घर से जो पैसा रहा था वो भी चला गया, 23,000 करोड़ का घोटाला करके बैठ गए। अरे 370 हटा दिया, मंदिर बना दिया, काशी कॉरिडोर बन गया, आप क्या चाहते हैं? सर मंदिर बना दिया, इसी पे मुद्दे पे तो चल रहा, मंदिर बना दिया, मंदिर उन्होंने कहा, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, वरना इतने साल से रहा, अगर बनाना तो ये बना देते।
वो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बना रहे हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए। लगातार आप लोग दावा करते हैं काम बोलता है, नई सपा है नई हवा है। जब नई सपा है नई हवा और पिछली बार काम बोलता था तो क्यों नहीं आ पाई आपकी पार्टी? साहब आप वो जमीनी पे देख के देखिए कौन सा काम नहीं बोला। नेशनल हाईवे पे पहले जहाज उतार दिया, उसकी आप फोटो कॉपी कर रहे हैं। जो हमारी सड़क बनी हो आपने जहाज उतार दिया, हमसे कह रहे हैं हमारा देखिए तो क्या हमारी सड़क भी सरकार ने भी 3 एक्सप्रेसवे बनाए। हमारे ही काम को पूरा करके फीता काटने का मौका मिल गया। काम तो मेरा ही था, हर चीज़ हमारी थी, जिस पे इन लोगों ने पिछले 7 साल से सिर्फ फीता काटने का काम किया है। तो और लोग भी यहाँ पे बताइए, आपके क्षेत्र में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और समाजवादी से हैं, इस बार किसको देखते हैं, किसको वोट देंगे? मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था मगर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मेरे क्षेत्र के जो विधायक प्रत्याशी है वो 30 साल से सभासद प्रत्याशी रह चुके हैं। उन्होंने 30 साल में एक काम नहीं किया है। नाली देख लीजिए, चल के पूरे मोहल्ले को उठा लिए, गड्ढा देख लीजिए। जब वो सभासद होकर एक काम नहीं करे तो विधायक बनने के बाद क्या करेंगे, क्या उम्मीद? पार्टी को देखते हैं इस बार, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, कई विकल्प है, किसको देखते हैं? हम तो समाजवादी ही को देखना चाहेंगे क्योंकि उसी की लहर चल रही है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर और भी आपकी, आप भी समाजवादी से टोपी लगाएं, अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास की बात करेंगे, क्या कहें? मैं यहाँ तो पूर्व पार्षद प्रत्याशी रह चुका हूँ मोहम्मद शदाब। मैं इस तरीके से बात करूंगा कि जैसे पहले भी हमारी सरकार आई थी मुलायम सिंह यादव जी ने, जब 8 रुपये का पर्चा बना करता था कालवन में तो उसको 1 रुपये का करने का काम किया था, जिससे गरीबों के लिए बहुत ही बहुत सहायता हुई थी। और सारी नीतियां हमारी वृद्धा पेंशन और जो शिक्षा को लेकर के दिए, महिलाओं को दी जा रही थी, बच्चियों लड़कियों को दी जा रही थी, कन्या विद्याधन दिया जा रहा था, वो सारी नीतियां जो भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दी है, हमारी सरकार आते ही हम उसको फिर से चालू करने का काम करेंगे और फिर से अपनी सरकार को पूर्ण बहुमत दिलवाएंगे और अपनी बहन डॉक्टर ऋचा सिंह को सदन में बैठाने का काम करेंगे। पिछली बार भी तो ऋचा लड़ी थी, हार गई थी। बस लड़ी थी, संयोग नहीं हो पाया, नहीं जीत पाई, थोड़ा सा सहयोग का। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे वो जीत जाएंगे? मुद्दा यही है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही थी, अब जनता जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कौन हमारे लिए काम करेगा कौन नहीं करेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर ऋचा सिंह हमारी बहन ने अभी 5 साल ना रह करके सत्ता में काम किया है लोगों के लिए, गरीबों के बीच में जा जाके काम किया, वैसे किसी ने पूरे प्रदेश में काम नहीं किया। तो और लोग भी यहाँ पर हम बात करते हैं, बताइए विकास का मामला है, क्या कहेंगे? विकास का मामला है, हम यही कहना चाहेंगे कि जो है जनता को विकास चाहिए और सपा से ही उम्मीद लगा के बैठेंगे, अब सपा है तभी जाके कुछ उनका भला होगा। बाकी अभी तक पिछली सरकार में तो लोग देख ही रहे हैं कि उनका क्या भला हुआ है अब तक। तो आपने देखा कि यहाँ पर जिसकी भी बात करा जाए तो सबका एक मत होके समाजवादी पर है। मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में जो जनाधार दिख रहा है वो समाजवादी के पक्ष में दिख रहा है। बोल भैया बोल कार्यक्रम में सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।